जम्मू में कालाकोट के सरकारी डाक बंगला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पीडीपी सरकार में सीएपीडी मंत्री चौधरी जुल्फकार थे। उनके साथ पीडी के वरिष्ठ नेता असद बेरी शाह भी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री जुल्फकार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 1,00,000 रोजगार देने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसी तकनीक लागू करेगी जिससे कोई भी डीलर राशन में हेराफेरी नहीं कर सकेगा, ताकि ये आपके मसाइल को सुन सके और आपके मसाइल को हल कर सके। हालांकि हमारी सरकार जो है वो एक मिली जुली सरकार है, बीजेपी के साथ हमारा अलायंस है, बीजेपी और पीडीपी का, और यहाँ से जो आपके एमएलए है, नुमाइंदा है, वो हमारी सरकार में एक आला वजीर भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे वर्करों को ये शिकायत रहती है कि हमारे मसाइल हल नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भी, कोहली साहब ने भी काफी काम इस इलाके में किए होंगे, इस इलाके की तरफ, आपके दूर दराज इलाके की तरफ तवज्जो दी होगी। और वैसे भी हमारी जो सरकार है उसका जो एक काम करने का तरीका है वो यही है कि हम शफाफियत के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ लोगों के काम करें। आपको याद होगा एसपीओ की भर्ती यहाँ पहले भी हुआ करती थी, एसपी साहब खुद ही लगाते थे, कभी टेस्ट नहीं हुआ, कभी उसकी हाइट नहीं देखी गई, कभी उसकी टेस्ट नहीं देखी गई, कभी उसके एग्जाम के नंबर नहीं देखे गए, कभी उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई। लेकिन हमारी सरकार ने ये कहा है कि हम अगर एक आदमी को फायदा देंगे, दे सकते हैं एक आदमी को, लेकिन हम 10 नौजवानों का गला काट के एक फायदा दें। हमने कहा, हमारी वजीर आला ने कहा कि जो भी हो ईमानदारी के साथ हो, शफाफियत के साथ हो, हकदार को हक मिले, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, यह हमारी हुकूमत का एक नस्बुलैन है। हमने पिछले साल पुलिस में तकरीबन 4,000 के करीब भर्ती की, कोई माई का लाल एक पैसा के लिए यह साबित नहीं कर सकता कि पुलिस की भर्ती में किसी ने एक पैसे की रिश्वत दी हो, किसी ने किसी को फेवर किया हो। हालांकि हमारे भी बहुत सारे वर्कर हैं, उनके बच्चे भी हैं जो हमेशा हमारे लिए भी काम करते हैं और इलाके के लिए भी काम करते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम इंसाफ का गला नहीं काट सकते, हम इंसाफ करना चाहते हैं। हमने उस वक्त रिक्रूटमेंट जो है वो भी शफाफियत के साथ की, हमने बाहर से एक एजेंसी लाई जिस एजेंसी ने हर एक चीज को मॉनिटर प्रॉपरली किया। इसी तरीके से हम इस साल में तकरीबन 1,00,000 के करीब, पीर पंजाल का किसी भी कोने से कोई आदमी किसी भी टाइम किसी भी वक्त जब आप जम्मू में देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी जुल्फकार साहब की कोठी के बाहर होगा, और उनको चाहे 11 बजेंगे जब ऑफिस से आएंगे तब भी रात के 12 बजे तक हर गरीब और आम शख्स से मुलाकात करने के बाद ये आराम फरमाते हैं, और सुबह 11 बजे तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि इनसे मुलाकात करके ना जाए। और वो भी कि हर शख्स को जिसका भी जिस गर्ज से वो वहां पर गया होता है और जरूर उसका वो काम हल किया जाता है। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो हमारा सिस्टम है अपॉइंटमेंट्स का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वो अलग है, लेकिन उसमें हमारा कोई भी, इवन के हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा भी, मोहतरमा महबूबा जी भी, वो भी कुछ नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने एक सिलेक्शन का प्रोसेस बनाया हुआ है, उसी के मुताबिक कुछ लोग जो है उसके बारे में सोच के वो जाते हैं, फिर बाद में शायद वो नालायक होके निकलते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, आप जिस भी कैटेगरी में
मैं कहता हूं कि आपका जो बच्चा 10+2 ग्रेजुएट एज पर उस आज मैं ये देख रहा हूं कि तो हमारी यहां की तंजीम पूरी मुकम्मल हो चुकी है। हमारी तंजीम के लोग बड़े ही शरीफ और बड़े ही इज्जत पसंद लोग हैं। ये कभी भी किसी दफ्तर में कभी भी जाते हैं इस तरह की कोई बदतमीजी या इस तरह की कोई वो बात नहीं करते जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी परेशानी हो। लेकिन इनके बड़े जायज मसले हैं जो यहाँ पर इन्होंने उभारे हैं। इससे पहले भी वहाँ पर ब्रोही में भी जनाब वहाँ पर भी लोगों ने आपके सामने मसले रखे, बहुत सारे मसले आपने वहां पर भी इनके हल किए। मैं चाहता हूं कि इनके जितने भी ये जायज जिला के या यहाँ कालाकोट की ये लोग खुद ही बता रहे हैं तो मैं भी इसकी तायद करता हूं और इनकी जो सारे मसले हैं उनकी तायद करता हूं कि इनके मसले जितने भी जायज है यहाँ पर आज कुछ ना कुछ हल हो जाए। और आइंदा जब भी ये वर्कर हमारे जो ब्लॉक के सदर जब भी किसी दफ्तर में जाए तो ये बिल्कुल जायज तरीके से जाते हैं, जायज मसले ले जाते हैं और इनके जायज मसले जो है वो हल होने चाहिए। मैं इसी पे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।